हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे 8th क्लास की एक पोएम और इसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। ये जो है एसोप्स की जो फेबल है उससे ली गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेबल क्या होती है। वास्तव में फेबल एक दंत कथा होती है जो लोगों के द्वारा लोगों को सुनाई जाती है और इसी प्रकार से आगे आगे ये बढ़ती जाती है। इसमें एक कहानी दी हुई होती है जो अक्सर या तो जानवरों से या किसी विशेष प्रकार के पात्रों से जुड़ी हुई होती है। इसकी एक खास बात होती है, इसमें कोई न कोई नैतिक शिक्षा या कोई न कोई मोरल छिपा हुआ हमेशा ही रहता है। तो चलो, ये जो पोएम है आंट एंड द क्रिकेट, इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पोइट कह रहा है, सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। यहाँ पे पहली लाइन में कहा गया है एक सिली यंग क्रिकेट, एक क्रिकेट है जो सिली है, यंग है, छोटा क्रिकेट है, बहुत बड़ा नहीं है, वो बड़ा ही पागल सा है, अजीब सा है। accustomed to sing, उसे गाने गाने की आदत है, दिन रात वो गाना गाता रहेगा। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, यहाँ पे समर और स्प्रिंग की बात हो रही है और समर और स्प्रिंग के बारे में बताया गया है। वार्म सनी और गे, वार्म का मतलब जानते हो जिसका टेम्परेचर ठीक हो, बहुत जलाने वाला नहीं हो। सनी का मतलब हो गया जहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी आई हुई हो और गे का मतलब हो गया जहाँ बहुत मौज मस्ती हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे समर और स्प्रिंग में वो यहाँ वहाँ घूमता है और गाने गाता रहता है। बिगेन टू कम्प्लेन वेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, वो शिकायत करने लगा। क्या शिकायत करने लगा कि उसने अपने घर जाके देखा कि उसके घर के अंदर जो कमबोर्ड है वो बिल्कुल खाली है, वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियां जो है आ चुकी है। तो यहाँ पे बताया गया है एक क्रिकेट के बारे में, पागल से क्रिकेट के बारे में बताया गया है जो हमेशा गाना गाता रहता है और वो हमेशा प्रकृति के जो मौसम है उनका आनंद लेता है। और बाद में जब सर्दियां आई तो शिकायत करने लगा कि मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, अब मेरा क्या होगा। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। वो कह रहा है नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब का मतलब होता है भोजन का छोटा टुकड़ा, मेरे पास तो कोई भोजन का छोटा टुकड़ा भी नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और चारों तरफ जहाँ देखूं वहाँ बर्फ की चादर बिछी हुई है। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, किसी प्रकार के कोई फूल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नॉट ए लीफ ऑन द ट्री, और जो पेड़ है वहाँ पे पत्तियां भी नहीं दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, कि अरे इस मौसम में मेरा क्या होगा। तो जैसा कि हमने पहले देखा, ये जो क्रिकेट है हमेशा गाना गाने में व्यस्त रहता है, उसने सर्दियों के लिए कुछ नहीं बचाया, अब उसकी कबर्ड में कुछ भी नहीं है, चारों तरफ बर्फ बिछी हुई है और ना कोई फूल दिखाई दे रहा है न कोई पत्ती दिखाई दे रही है। अब वो सोच रहा है कि इस मौसम में मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, All dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. At last, अंततः, by starvation, starvation भूखा मरता हुआ, and famine अकाल में तड़पता हुआ, उसने क्या किया जब उसे खाना बिल्कुल भी नहीं मिला, all dripping with wet, और वो पानी से भीगता हुआ, पानी उसके ऊपर से शरीर से नीचे गिरता हुआ, All trembling with cold, ठंड में कपकपाता हुआ, जब वो ठंड में कपकपा रहा था, पानी उसके ऊपर से गिर रहा था और वो भूख से तड़प रहा था, प्यास से तड़प रहा था, Away he set off to a miserly aunt, तो एक कंजूस जो आंट है उसके पास वो चला गया, To see, ये देखने के लिए, To keep him alive he would grant, कि उसे जिंदा रखने के लिए क्या वो कुछ दे सकती है। तो अब ये जो क्रिकेट है उसकी हालत बहुत खराब है, भूख से प्यास से वो तड़प रहा है, ठंड से वो कांप रहा है, उसने सोचा कि मैं एंट के पास जाता हूँ जो कि बहुत कंजूस है, उससे मैं थोड़ा कुछ सहायता ले लेता हूँ। Him shelter from rain and a mouthful of grain,
He wished only to borrow. He would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. तो वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे क्या करो, रेन जो बारिश से उसे थोड़ी शेल्टर, उससे थोड़ी रक्षा प्रदान करो, एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और मुझे थोड़ा अनाज भी दे दो. He wished only to borrow, और ये सब चीजें मुझे कुछ उधार ही चाहिए. He would repay it tomorrow, ये आने वाले समय में ये इसे वापस लौटा देगा. If not, he must die of starvation and sorrow, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, भूख से और दुख तकलीफ से वो मारा जाएगा. तो अब ये जो क्रिकेट है वो आंट के पास सहायता मांगने के लिए पहुंच गया है कि बारिश में मुझे कुछ रहने के लिए जगह दो, मुझे थोड़ा खाना दो, और मुझे ये सब चीजें दे दो, मैं वापस लौटा दूंगा, और अगर तुमने मुझे नहीं दी तो मैं भूख प्यास और दुख तकलीफ से मर जाऊंगा. Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend. But we aunts never borrow, we aunts never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, no. Aunt ne cricket se kaha, I am your servant and friend. Main to tumhari servant hu aur friend bhi hu, achhi dost bhi hu, nokar bhi hu. But we aunts never borrow, we aunts never lend. लेकिन हम जो aunts हैं, ना ही कभी किसी को कुछ उधार देती हैं, ना ही किसी से कुछ उधार लेती हैं. But tell me, dear cricket, लेकिन मेरे प्यारे क्रिकेट, मुझे ये तो बताओ, did you lay nothing by when the weather was warm? जब मौसम सही था, सुहावना था, अच्छा था, तो तुमने क्या कुछ बचा के नहीं रखा? Aunt ने ये क्रिकेट से पूछा और क्रिकेट ने जवाब दिया, not. कि उस समय मैंने कुछ भी बचा के नहीं रखा. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, go then, says the aunt, and dance the winter away. My heart was so light. वो कह रहा कि मेरा मन इतना प्रसन्न था, खुश था, that I sang day and night. दिन रात में यहाँ वहाँ घूमता रहा, गाना गाता रहा. For all nature looked gay, क्योंकि पूरा जो नेचर है, पूरी जो प्रकृति है, मुझे बहुत सुहावनी और प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी. You sang, sir, you say, go then, says the aunt, and dance the winter away. तो उस aunt ने कहा कि आपने कहा कि आप गाते रहे और आनंद लेते रहे, तो अब सर्दियों में भी आप क्या करो, गाते रहो, डांस करते रहो, आनंद लेते रहो, और इसी प्रकार से सर्दियों को भगा दो. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folk calls this a fable, I will warrant it true. Some crickets have four legs and some have two. इस प्रकार से अंत में ये हुआ कि वो जो aunt है, उसने फटाफट अपना दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे के बाहर है उस बेचारे क्रिकेट को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो उसकी सहायता नहीं कर सकती थी. Folks call this a fable. लोग जो है इसे एक fable कहते हैं, इसे दंत कथा कहते हैं, लोक कथा कहते हैं. I will warrant it true. लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, सत्य है. Some crickets have four legs. कुछ जो crickets होते हैं उनके चार पैर होते हैं. And some have two. और कुछ जो होते हैं उनके दो होते हैं. तो इस कविता में बताया गया है किस प्रकार से जो ये क्रिकेट है, ये अच्छे मौसम में यहाँ वहाँ घूमता रहा, गाना गाता रहा, और उसने खूब इंजॉय किया, और बाद में जब सर्दियां आई तो वो यहाँ वहाँ खाने के लिए भटकता रहा और किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की. इसलिए इस कहानी से हमें एक संदेश मिलता है कि जब सही समय हो, उस समय हमें विपरीत समय के लिए या मुश्किल समय के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही बचा के रखना चाहिए, क्योंकि विपरीत समय में या मुश्किल समय में हो सकता है हम कुछ कर पाए या न कर पाए. दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.